श्रीवंशी धर नगर। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त 10+2 सीनियर सेकेंडरी विद्यालय मिलेनियम पब्लिक स्कूल में शनिवार को सत्र 2023-24 का परीक्षा फल छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों के बीच भव्य आयोजन के साथ परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। अभिभावकों के बीच प्रत्येक कक्षा में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय को पुरस्कार वितरण किया गया। कक्षा नर्सरी में प्रथम ऐश्वर्य शर्मा 99.9, द्वितीय कुमारी आराध्या 98%, तृतीय शौर्य प्रकाश 94%, एलकेजी में प्रथम एंजल शर्मा, द्वितीय एलिना खातून, तृतीय जीशान खान, यूकेजी में प्रथम शौर्य पांडे, द्वितीय हिमांशु कुमार, तृतीय फैजल राजा, प्रथम कक्षा प्रथम जिया प्रवीण, द्वितीय हुसैन राजा, तृतीय शोभा कुमारी, कक्षा द्वितीय में आयशा खान, द्वितीय अंकित कुमार, तृतीय ब्रिजेश कुमार, कक्षा तृतीय में प्रथम कौटिल्य राज, द्वितीय सोनू कुमार, तृतीय जोया रिजवी, कक्षा चतुर्थ में प्रथम अभिमन्यु कुमार, द्वितीय शाश्वत यादव, तृतीय निहाल अंसारी, कक्षा पांचम में प्रथम शिवम कुमार, द्वितीय मधु कुमारी, तृतीय आयुष कुमार, सप्तम प्रथम लक्की गुप्ता, द्वितीय रितिका श्रीवास्तव, मुस्कान कुमारी, कक्षा अष्टम प्रथम आस्था चौबे, द्वितीय राहुल शर्मा, तृतीय चंदन कुमार, कक्षा नवम में प्रथम पीयूष कुमार यादव, द्वितीय नंदिनी कुमारी, तृतीय प्राची कुमारी का नाम शामिल है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक मोहम्मद मुमताज राही ने कहा कि इरादा बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। कल का भविष्य हमारे बच्चों में है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य अन्नपूर्णा सिंह, विद्यालय के निदेशक मोहम्मद मुमताज राही, विद्यालय के चेयरपर्सन नूरजहां बेगम ने छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। रिजल्ट तो उनके पूरे साल का फल है, आईना है कि आप पूरे साल अपने एकेडमिक में क्या किए। रिजल्ट और मार्क्स जो है बच्चों को मोटिवेट करता है, और ये प्राइज जो है सर ये एक रिवॉर्ड है ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहे। जो बच्चे प्राप्त करके गए हैं वो अपने इस रैंक को मेंटेन कर सके, और जो बच्चे को नहीं मिला वो इसलिए मोटिवेटेड रहे कि मुझे वहाँ पर अपने डायरेक्टर प्रिंसिपल के साथ में फ़ोटो और प्राइज़ लेना है। ऐसे हम लोगों ने जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों का रिजल्ट लेने आए हैं अपने बच्चों के साथ में, उन सब के साथ फ़ोटोग्राफी, ताकि एक यादगार बने रहे, क्योंकि एक पूरा साल बच्चे अपने एक सेशन में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो नए सत्र के लिए आगे जाते हैं। तो बच्चे के लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं हैं, उनकी खुशियाँ स्कूल से जुड़ी है, और उस चीज़ का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। पेरेंट्स से अनुरोध रहेगा कि स्कूल से कनेक्शन बनाए रखें, टाइम टू टाइम अपने बच्चों का फीडबैक अपने उसके क्लास टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल से आप लें, ताकि आपको पता चले कि जो 6-7 घंटे बच्चे स्कूल में रह रहे हैं उसमें उनकी प्रतिक्रिया क्या है, प्लस घर में अगर कुछ कर रहे हैं वो स्कूल को बताएं, ताकि स्कूल और घर दोनों में सामंजस्य बना रहे और बच्चे के सर्वांगीण विकास में ये मदद हो सके, ताकि स्कूल और पेरेंट्स एक साथ मिलकर इस चीज़ को पहल करें कि हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है, जिसमें कि उसके बिहेवियर, कि वो किन लोगों के साथ रह रहा है, क्लास में कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है, घर में कैसा कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि घर और विद्यालय में दोनों में विपरीत प्रतिक्रिया है उसकी। हम भी सोचें और और प्रोग्रेस हो और बढ़िया से हो, मतलब पढ़ाई भी तो बहुत अच्छा है, थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चे लोग को, और हम लोग भी सपोर्ट भी कर ही रहे हैं, लेकिन सर लोग भी और करेंगे, अच्छे अच्छे हैं, लेकिन हम लोग से भी थोड़ा सा और मतलब प्रोग्रेस करना चाहते हैं। कितना परसेंटेज आया हुआ है इसका? है अभी 94.33% है। 97 है, मतलब अभी नगर उठारी में तो फर्स्ट पोजिशन पर है ये स्कूल। एक और मेरा बच्चा है जो 10th एग्जाम दिया है, वो दीदी इसी स्कूल से निकला है जी जी, और ये भी है, इसको भी यहीं से निकालूंगी। और बाकी सारे मतलब टीचर वगैरह सब तो अच्छे ही हैं, सब यहाँ पर सभी चीज़ मतलब सिखाया ही जाता है बच्चे लोग को। काफ़ी खुश है ना? हाँ, डिसिप्लिन पढ़ाई वगैरह सब तो सब ठीक ही है। बच्चा मतलब अब इसके ऊपर निर्भर करता है क्या अब बंद कर पढ़ने में, तो अभी तक तो ठीक ही है, बाद में चल के देखिए, यहाँ ऐसा अगर मिलता रहा माहौल तो आगे जाएगा ही जाएगा। थैंक यू। I'm so impressed with the performance of teacher as well as students. Thank you very much teachers for caring the students. As parents can leave their students so care, till when they leave the student in the campus, they have mindset that the student will be cared in the school so perfectly that they don't need to worry about that.
मौके पर शिक्षक नागेंद्र प्रसाद सिंह, रोहित रॉय, अस्तार अली, धीरेश कुमार, शोषित शर्मा, अनिल पांडे, मनोज कुमार, सोफिया लिपचा, किरण कुमारी, संजना अर्पणा, ऋषिकांत प्रसाद, गुलशन तिवारी, सुभाष पांडे सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक भी मौजूद थे। मिलेनियम पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, प्री नर्सरी टू 11, यस, प्री नर्सरी टू 11, एडमिशन ओपन। अफिलिएटेड टू CBSE 10+2, फ्री प्रिपरेशन फॉर IIT, GNET, एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, वेल डिजाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब एंड साइंस लैब, स्मार्ट क्लासरूम, एमिनेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अंडर सर्विलेंस ऑफ CCTV, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल, ग्रीन लश कैंपस एंड वेल प्लान्ड प्लेग्राउंड, इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड, MPS गिव्स एन एस्थेटिक एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, एड्रेस मिलेनियम पब्लिक स्कूल, पुरैनी एंड बिशुमपुर, नगर उंटारी, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर्स। थैंक यू।